खबर शिवपुरी के एसपी ऑफिस से है। यहां हम आपको बता दें, अंजू रावत की शादी अनीश रावत निवासी टोंगरा से 7 साल पहले 2016 में हुई थी। कुछ समय तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद पति दारू पीकर मारपीट करने लगा और पैसे की मांग करने लगा। जानकारी के अनुसार मंजू रावत पति मनीष रावत ससुराल टोंगरा ने बताया कि उसकी शादी 2016 में हुई थी। इसके बाद कुछ समय तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद पति आए दिन दारू पीकर मारपीट करने लगा। जब मना करती तो जान से मारने की धमकी देता और पैसे की मांग करने लगा कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ। इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन पति का रवैया वही रहता था, जिससे परेशान होकर मंजू अपने मायके खैरोना आ गई और वह यहां पर अपने भाई के साथ रहने लगी। लेकिन पति मनीष रावत वहां पर भी अपने दोस्तों के साथ आता और पत्नी को ले जाने के लिए भाई से कहता। मना करने पर उसे भी धमकी देता। भाई भी घर पर बंद रहकर रह गया, उसको भी बाहर निकलने में डर लगने लगा। जिसके बाद आज मंजू रावत अपने भाई के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, मंजू रावत के 2 बच्चे हैं, जिसमें से लड़की तमन्ना 1 साल 6 महीने की है, जबकि लड़का अरमान 7 महीने का है। महिला के भाई ने बताया कि वे दोनों बच्चों को लेकर भोपाल में मजदूरी का काम करेगा, जिससे उनका लालन पालन कर सके। सर, मेरा नाम जानसिंह रावत है। जी, ये कौन लगते हैं आप मंजू के? जी, मेरी सिस्टर है। क्या समस्या आ रही थी? सर जी, घर पे आए दिन रात में भी आता है, रात के 1:30 बजे 2 बजे 4 बजे चार चार लड़कों के लिए लेके आता है, गुंडा लेके आता है और मेरे को बिल्कुल जान से मारने की धमकी देता है। आज मेरे को कम से कम नहीं तो 1 महीना हो गया, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ। किस लिए आता है घर पे? सर वो इनके चक्कर में आता है। वो क्या कहता है? वो इनसे कहता है कि मेरी मिसेज को घर पे करो। सर हम कर देती है, लेकिन वो वापस गाँव में जाके मारपीट करता है, पैसे मांगता है उनसे कि तेरे भाई से पैसे के लिए, वो खर्चे के लिए पैसे लेके आ। ऐसी सर सारी समस्या है, इसलिए सर आज मेरे को जब गाँव छोड़ना पड़ा है, मैंने कि आज मैं एसपी ऑफिस में जाता हूँ, इनके बच्चों को लेके मैं पालूंगा। मैं इतना कष्टदार नहीं है कि इनको बेच दूंगा, लेकिन मैं पालूंगा इनको लिए, लेकिन इनको बड़ा करूंगा। लेकिन जब जब मेरा बहन 20 साल का हो जाएगा, उसमें पना देने के लायक हो जाएगा, उस दिन मैं उसको लेके आ जाऊंगा शिवपुरी में। हाँ, लेके जा रहे हो आप इनको भोपाल? मजदूरी करूंगा सर मैं तो। सर इसमें एक बात और भी है कि भोपाल हम 2 जगह से 1 जगह मिलेंगे सर। कहाँ से आई हो मंजू जी? एसपी ऑफिस आई थी। आप क्या समस्या लेके आई थी? कुछ नहीं, ये परेशान करता है दारू पीकर। कौन परेशान करता है? पति। क्या नाम है? अनीश रावत। कहाँ रहते हैं? टोंगरा। क्यों परेशान करती हैं ये? मतलब दारू पीकर परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, कहते हैं कुछ तो आता पड़ता है, वही दे देते हैं। कब से परेशान करते हैं? 7 साल हो गई। उसे परेशान कर, बच्चों को 1 रुपया भी नहीं देता है बिल्कुल। और क्या समस्या है? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वो उसका खर्चा चाहिए बस। आप बता रही थी बच्चों को भी गिरा देता है। छोटी सी बच्ची है, वो ही फेंक दी थी पलंग पे से दारू पीने समय। और ये बच्चे वगैरह हुए थे आपके? बता रही थी अस्पताल में छोड़ दिए थे, उसने देखा ही नहीं है कि ये कैसे हैं बिल्कुल भी। जब से आप मायके में ही रह रही? मायके में 1 साल हो गई मुझको। 1 साल हो गई मायके में? साढ़े सात साल हो गई। तो क्या चाहती हूँ मैं? कुछ नहीं चाहती, मुझे तो खर्चा चाहिए मेरे बच्चों का। बड़े होंगे जब तक।